क्योंकि बाबूजी को हमारे समय भी कम है और पहला चरण है, मेरी अपेक्षा दादा को थोड़ा डबल समय लगेगा, इसलिए पहला गीत इतना छोटा जो बड़े आराम से पूरा हो जाए। एक गीत अब चूंकि जवाबी विधा में कीर्तन विधा में फिल्मी धुन बता देते हैं, तो मैं पहले इशारा किए दे रही हूँ कि फिल्मी गीत कौन सा बजा। उधर पीछे भैया हमारे तमाम लोग जो आ रहे हैं खड़े हैं, उनसे निवेदन है अभी बैठ जाइए, बहुत सारी जगह पड़ी है, परमात्मा का कीर्तन बैठ कर सुनिए। ये थोड़ी देर का कार्यक्रम नहीं, पूरी रात होना है और आप लोग जब तक बैठेंगे तब तक होना है। फिल्मी दुनिया वाले गीत गा रहे हैं, कौन सा? किसी और से मिलके आ रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। गीत को सुनिएगा, ये तो बंबई वाले गा रहे हैं। दादा ज्ञानी जी, पहला गीत आपकी सेवा में है मेरी तरफ से। और क्या, पहला हिंदी का पेपर है। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जगह जगह सजाए जाते हैं, ये अलग अलग तरह के श्रृंगार हैं भोलेनाथ के, ये लेकिन मेरे गीत में एक बार माँ भवानी बैठी हैं। माता के मन में आया कि आज भोलेनाथ का श्रृंगार थोड़ा विचित्र करते हैं, और देखिए ये श्रृंगार ना फलों का है ना फूलों का है, क्या ना सोने चांदी का है। शाबाश। अच्छा, पंचम प्रताप के भैया मुकेश जी, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद है मेरी तरफ से। लालूपुर के भैया लाल बहादुर जी, 50 मुद्राएं आपकी तरफ से हैं, हृदय से धन्यवाद है लाल बहादुर भैया आपको। अब गीत सुनिएगा, ये श्रृंगार ना फलों का है ना फूलों का है ना सोने चांदी का है, ये लेकिन ये श्रृंगार हो कब रहा है। माँ ने कहा कि है जो सावन नया नया हाथ। अब ये श्रृंगार कैसा है? कैसा के है जो सावन वो सुहावन और बादल छा रहे हैं। हमारे संजय भैया कैसेट बना रहे हैं, बना रहे हैं, और जब बना रहे हैं तो ये एक नया गीत जो अभी तक आपके कैसेट पर नहीं गया, ये फिर रोजा पहुंच जाए। है जो सावन वो सुहावन और बादल छा रहे हैं, तो हर्षित हो घटाए, हर्षित हो घटाए भी बौछार कर रही है, हर्षित हो घटाए भी बौछार कर रही है, तो हर हर का उमा सर्पों से श्रृंगार
भैया हमारे राम प्रसाद जी आपकी तरफ से ही खीस मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। 51 मुद्राएं भैया हमारे विनोद पाल जी और इंद्र पाल प्रधान जी ग्राम देवरा आपकी तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हर सिद्धि हो घटाए भी बाचार कर रही है, तो हर हर का तुम्हार सर को से श्रृंगार कर रही है। माता भवानी भोलेनाथ का श्रृंगार सर्पों से कर रही है, यानी सांपों से कर रही है। अब बस गीत को सुनिएगा दादा, और गीत में देखिए कि माँ ने कौन सा सर्प भोलेनाथ के कौन से अंग में पहना दिया है। कुंडल की जगह कुंडल तो करकोटक गले पड़ा है। कुंडल कुंडल नाम के सर्प को मां ने कुंडल बनाकर कानों में पहना दिया, और करकोटक नाम के सर्प को भोलेनाथ के गले में पहना दिया है। कुंडल की जगह कुंडल पर कोटक गले पड़ा है कमर नील मरी लिपटा तो वासु की बहुत बड़ा है। कमर में नील मरी नाम का सर्प पहना दिया और वासुकी नाम को भी लपेट दिया, और देखिए क्या पहना दिया है। कंबल और तालिया धृतराष्ट्र धनंजय भी है, ये सब सांपों के नाम हैं। सांपों के नाम है कंबल, कालिया, धृतराष्ट्र, धनंजय। इसमें ये पनिया वनिया वाले सांप नहीं है के हैं। कंबल और कालिया धृतराष्ट्र धनंजय भी है महाशंख बाहों में शंख चूर्ण पगों में भी शंख चूर्ण, ये भी सर्प का नाम है। सबाश और शंख चूर्ण नाम के सर्प को पैरों में पहना दिया, महाशंख नाम के सर्प को बाहों में लपेट दिया। लेकिन अचानक है कंगन पड़ा एक कमल, सारा श्रृंगार हो रहा है, सजाते सजाते एक कंगन कम पड़ गया, और इस कंगन कम पड़ने पर मां ने किया क्या कि है कंगन पड़ा एक कम तो उमा विचार कर रही है, तो हर हर का उमा सर्पों से श्रृंगार कर रही है। और एक मूल्यवान पुरस्कार 251 मुद्राएं सम्मानी भैया हमारे लालूपुर के श्री संतोष कुमार जी आपकी तरफ से 251 मुद्राएं हैं। भैया को हृदय से नमन है। भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। गीत छोटा किए दे रही हूँ दादा, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। हालांकि गीत बड़ा है लेकिन छोटा इसलिए की दे रही हूँ ताकि आपको भी जगह मिल जाए और बाबूजी को थोड़ा आपको भी सुनने का मौका मिल जाए। बाबा जी वही वाली किताब निकालो। जब एक कंगन कम पड़ गया, माँ सोच रही है क्या किया जाए। माता को कोई सर्प नहीं नजर आया, एक सर्प बचा और वो सर्प कौन सा है। हर जगह से सर्प बुलाए ना कोई शेष बचा है।
हर जगह से सर्प बुलाए ना कोई शेष बचा है, लेकिन हर सर्पों में बस केवल वो शेष ही शेष बचा श्रृंगार में लग गए, केवल शेष रह गए शेष नाग। माता ने शेष नाग को पकड़ा और जबरदस्ती भोलेनाथ को कंगन बनाकर पहनाने लगी। दुनिया जानती है कि अंगूठे से दबा दिया और जब दबा दिया तो शेष नाग की आंखों से दो आंसू गिरे, उसी से दो कन्याएं पैदा हो गई। एक कन्या का नाम पड़ा सुनैना, एक का नाम पड़ा सुलोचना। तो है आया शेष तो लेकिन सरना में हिला दिया है, हुई क्रोध में तभी भवानी तो अंगूठे से दबा दिया। अंगूठे से दबा दिया, गीत को यहीं पर विराम दे रही हूँ। कैसे तो हाथों को सुसज्जित भोलेनाथ के हाथों को सुसज्जित इस प्रकार कर रही है, तो हर हर का उमा सर्पों से श्रृंगार कर रही भगवान की। आज के कार्यक्रम का पहला गीत, हेलो आदरणीय क्रांति माला जी के माध्यम से जो गीत आया है बहुत अच्छा गीत है, बहुत सुंदर। और ऐसे गीत सामयिक गीत कहे जाते हैं कि जैसा समय हो, जैसा उपलक्ष हो, वैसा गीत गाया जाए तो वो सामयिक गीत कहे जाते हैं। अब चूंकि बाबा श्री नर्मदेश्वर भोलेनाथ का आज ये छठा वार्षिक उत्सव है, तो हमारी आदरणीय क्रांति जी ने बहुत सुंदर गीत दिया है। और चूंकि तर्ज बताने की परंपरा है, बिल्कुल, तो तर्ज हमको भी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसी बात का तो पैसा लिए हो। एक गीत आया, कौन सा, कि वो किसी और रास्ता खराब है बेटे, आराम से। बहुत बढ़िया गीत आया है आदरणीय क्रांति जी ने, बहुत बढ़िया गीत दिया है। निसंदेह जो अच्छा है तो वो अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है जो सावन
बादल भले न छा रहे हो लेकिन कीर्तन का आज कह दे तो मान लेना चाहिए। बिल्कुल नमन हो जाइए हो कहो है जो सावन वो सुहावन और बादल छा रहे हैं सर्पों से श्रृंगार कर रही है। ये कितना चोरी से दादा के ऊपर वार किया गया है चोरी हमारी बिटिया क्रांति की तरफ से। अरे बिटिया आपको मालूम होना चाहिए कि दादा बीमार चल रहे हैं इस समय और मैंने कितने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और ये कई कार्यक्रमों के बाद आज ये मैंने कार्यक्रम इसलिए इनकार नहीं किया कि ट्राई करके देखूं कि कार्यक्रम दे पाऊंगा कि नहीं। लेकिन फिर भी इतना कठिन गीत गा दिया आप लोग समझ गए होंगे कि गीत में इनके अक्षर कैद लगा हुआ है। हम लोग जान गए हम लोग हर लाइन हा से शुरू है और हा से बंद है। है जो सावन वो सुहावन और बादल छा रहे हैं और हर्षित हो घटाएं भी बौछार कर रही हैं और हर का उमा सर्पों से श्रृंगार कर रही ये मामला है। नीचे से आवाज आई ये हिंदी का पेपर है। इतना हम लोग नहीं जानते कौन सा पेपर है। बहुत सुंदर श्रृंगार किया और उस पर भी खैर मेरी बीमारी का हमारी बच्ची ने सम्मान किया बल्कि यूं कहिए कि रियायत किया क्योंकि क्रांति जी ने कह दिया कि दादा गीत छोटा किए दे रही हूं ताकि आपको रास्ता मिल जाए। ओ बिट्टी चलिए एहसान मंद हूं आपका। काहे का एहसान क्रांति जी। वैसे तो श्रृंगार सही है जब सर्पों से श्रृंगार किया हाथ का कंगन कम पड़ गया तो माता ने शेषनाग को कंगन बनाने के लिए जो दबाया तो उनको पीड़ा हुई तो पीड़ा से उनकी आंखों से दोनों आंखों से एक एक बूंद आंसू छलक पड़ा। एक आंख के आंसू से सुलोचना बन गई एक आंसू से सुलोचना का जन्म हो गया और दूसरी आंख से जो आंसू गिरा उससे सुनैना का जन्म हो गया। सुनैना। देखिए क्रांति जी आधी बूंद और रह गई थी आंसू की ऐसा का उससे भी कुछ बना लेकिन वो बाद की बात है। वो आधी बूंद टपकी नहीं थी लेकिन उससे भी कोई बना वो बात की बात है। फिलहाल जवाब देखें आप बिल्कुल आपने सर्पों का श्रृंगार कर दिया लेकिन मैं भी श्रृंगार ही दिखाऊंगा। वाह बिल्कुल अंतर ये है कि आपके गीत में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार माता पार्वती ने किया और जवाब देखिएगा कि जो जवाब मैं ला रहा हूं कि भगवान शंकर का श्रृंगार स्वयं भगवान शंकर ने किया। क्या स्वयं अपना श्रृंगार कर लिया। अब वो कैसा श्रृंगार है देखें आप समझिए कि है भूत भावन दर्शन करने गया बाबा नर्मदेश्वर की तो वहां बादल नहीं छा रहे थे बल्कि मैंने जब दर्शन किए तो ऐसा लगा मुझे है भूत भावन परम पावन
कैसे सुहा रहे कैसे जाके देखा ये क्रांति जी दर्शन कराइए है भूत भावन परम पावन वो कैसे सुहा रहे हैं क्यों हरि और हरि और स्वयं ब्रह्मा जब उनका श्रृंगार हुआ ये ले इसी बात पर वाह है भूत भावन परम पावन वो कैसे सुहा रहे हैं हरि और स्वयं ब्रह्मा दीदार कर रहे हैं और हर सिद्ध हृदय से उनको नमस्कार कर रहे हैं भोलेनाथ ने जो स्वयं अपना श्रृंगार किया ना फूलों से किया ना सर्पों से किया ना ततैया ना बिच्छुओं से किया बल्कि क्रांति जी विलक्षण श्रृंगार दिखा रहा हूं भोलेनाथ ने जो अपना स्वयं श्रृंगार किया वो वर्णमाला से श्रृंगार किया वर्णमाला है अरे है शिर आकार उनका हेलो और ये 21 रुपए साथ में पुष्पहार बल्कि 25 रुपए का पुरस्कार श्री अशोक यादव सरैया आपकी ओर से आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है 51 रुपए का पुरस्कार एक सूचना के साथ 13 अक्टूबर को विशाल जवादी कीर्तन 13 अक्टूबर वो तो निकल गई हाँ 13 जो आए जी नवंबर 13 नवंबर फिर कहना चाहिए लिखना चाहिए आपको चलिए कोई बात नहीं भूल गए होंगे आप अंधेरे में पेन चल गया हूँ जिसमें 13 नवंबर को विशाल जवाबी कीर्तन जिसमें आदरणीय राखी आजाद जी एवं श्री नादान बिस्तर राखी आजाद उरई एवं नादान बिस्तर कानपुर के बीच में जवाबी होगी और ये स्थान है शिवदीन पुरवा धन्यवाद कानपुर में भी बिस्तर है एक से एक विषय आदरणीय क्रांति जी श्रृंगार देखिए कैसा कर रहे हैं है अरे है सिर आकार उनका छोटे आ से आकार समझिए छोटा आ अरे है सिर आकार उनका बड़े आ से भाल सोहे बड़े आ से भाल का श्रृंगार कर दिया और छोटे आ से सिर का श्रृंगार किया है सिर आकार उनका बड़े आ से भाल सोहे ईसे जी हाँ है नो अरे है नेत्र दोनों ई कपाल मोहे कपाल मोहे कपाल मोहे
आधार दोनों सजी दंत पंक्तियां हैं और ओ औसे है तालु अम अहां से है तालु अम अहां से श्रृंगार क्या किया है श्रृंगार क्या किया है श्रृंगार क्या किया है तो हाथ का बल हाथ का बल क्या वर्ग से हाथ का वर्ग क्या वर्ण अरे हाथ का वर्ग क्या वर्म से अरे भोले सजा रहे हैं क्यों दाहिने हाथ काखा दाथे और फिर देखिए क्या हो रहा है हर कैसी हाथ का वर्ण क्या से अरे भोले सजा रहे हैं हर कैसी छवि ये अपनी हर कैसी छवि ये अपनी साकार कर रहे हैं अरे हर सिद्ध हृदय से उनको नमस्कार कर रहे हैं आखिरी टुकड़ा देखे आप कैसे अरे हाथ है टा वर्ग चरण दादा है टा वर्ग चरण दाया और ता वर्ग सजा है और है पास उधर शिव का ये शिव की क्या रजा है है फाबा से है फाबा से पार्श्व शिव के फाफाबा कंधे सुहाते हैं और है माँ से हृदय शोभित क्या लीला दिखाते चमत्कार ये श्रृंगार ये कैसा सजा रहे हैं हरि और स्वयं ब्रह्मा दीदार कर रहे हैं हर सिद्ध हृदय से उनको नमस्कार